हेलो गाइस, तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है समय दे रखा, बस विद अ वर्टिकल विंडशील्ड मूव हॉरिजॉन्टली एट अ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर विल रेन इज फॉलिंग वर्टिकली एट अ स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर द एंगल एट विच रेन ड्रॉप स्ट्राइक द विंडशील्ड इज। और यहाँ पे हमें चार ऑप्शन दे रखे हैं। तो गाइस आप देख सकते हैं, यहाँ मैंने बस की जो डायरेक्शन है वो भी ड्रॉ कर दी है और यहाँ लिख दिया है वी बी इज इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर, जो कि बस की वेलोसिटी है और स्पीड है। और यहाँ पे वी आर है हमारा रेन की स्पीड, जो कि है वर्टिकली डाउनवर्ड, जो कि मैंने यहाँ ड्रॉ कर दिया है और यहाँ लिख भी दिया है वी आर इज इक्वल टू 30 किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ पे हम रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट यूज़ करेंगे, तो हमें पता है कि जो बस के अंदर बैठा होगा वो क्या करेगा, उसे लगेगा कि मैं रुका हुआ हूँ और वो अपनी स्पीड दे देगा रेन ड्रॉप को उल्टी डायरेक्शन में। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ उल्टी डायरेक्शन में बस की जो स्पीड है उसको ड्रॉ कर दिया है और लिख दिया है वी बी इज इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर और वी आर लिखा है 30 किलोमीटर पर आवर। तो अब हमारे पास यहाँ पे हाइट भी और बेस है, तो यहाँ से मैं टेन थीटा इज इक्वल टू हाइट अपॉन में बेस लगा के, मतलब बेस की जगह ये वैल्यूज पुट कर दूंगा, ठीक है, बेस की जगह पुट कर देंगे वी आर और हाइट की जगह पुट करेंगे वी बी, ठीक है। तो यहाँ से मेरा ये थीटा आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं मैंने आगे लिख दिया टेन थीटा इज इक्वल टू हाइट अपॉन में बेस, हाइट की जगह पुट कर दिया वी बी और बेस की जगह पुट किया है वी आर। और बस की स्पीड हम जानते हैं कितनी दे रखी है, 40 किलोमीटर पर आवर, और रेन की स्पीड दे रखी है 30 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ से जो हमारा टेन थीटा आ रहा है वो आ रहा है 4/3। तो हमें पता है कि टेन थीटा 4/3 कब होता है, जब थीटा की जो वैल्यू होती है वो 53 डिग्री होती है, ठीक है। तो यहाँ से हमें पता लग गया कि किस एंगल पे जो रेन की ड्रॉप है वो स्ट्राइक करेंगी, वो करेंगी 53 डिग्री पे। तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन के लिए, और गाइस ये जो वी आर बी है ये हमारी रिजल्टेंट वेलोसिटी है, ठीक है, और इसका ही एंगल हमें चाहिए था कि ये जो रेन की रियल स्पीड है ना उससे कितना एंगल बना रही है, जो कि हमें मिल चुका है, जो कि आ रहा है 53 डिग्री। इस हिसाब से इस क्वेश्चन के लिए जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3। और अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। थैंक यू गाइज़।